दरभंगा में सेप्टिक टैंक के अंदर एक एक करके तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और वहीं एक जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बता दें कि दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत वार्ड 3 में ये घटना घटी है, जहां सेप्टिक टैंक के अंदर पाइप लगा रहे थे तो वहीं अचानक सेप्टिक टैंक जो है सो टूट गई, जिसके कारण उसमें एक मजदूर जो है सो फंस गए। वहीं उनको निकालने के लिए एक एक करके तीन मजदूर अंदर गए, जहां तीनों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं एक की जो है हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि आए दिन सेप्टिक टैंक के अंदर मजदूरों की जो है दर्दनाक मौत होती रहती है, तो वहीं दरभंगा में फिर से इस घटना ने सबको हिला के रख दिया है। इससे पहले भी हमने आपको मधुबनी की सेप्टिक टैंक के अंदर घटना जो घटी थी उसको दिखाए थे, वहीं इस प्रकार की घटना दरभंगा में घटी है, जहां तीन लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बता दें कि सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीले गैस पाए जाते हैं और उसके अंदर जब कोई मजदूर फंस जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है और ऐसे में वो जहरीले गैस का शिकार हो जाते हैं और अंदर ही दम तोड़ देते हैं। बता दें कि सेप्टिक टैंक जब कई दिनों तक बंद रहती है तो उसमें ऑक्सीजन के बदले जहरीले गैस बन जाते हैं और जब जहरीले गैस के आगोश में मजदूर फंस जाते हैं तो इसी प्रकार की दर्दनाक मौत होती है। जैसा कि दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना के वार्ड नंबर 3 में घटी है, जहां तीन लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, तो वहीं एक मजदूर जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बता दें कि ये तीनों के तीनों जो है एक ही परिवार के थे और तीनों जो है एक ही सेप्टिक टैंक के अंदर फंस गए थे, जिसके कारण उनकी दर्दनाक मौत हुई है। इसको लेकर के परिवार में कोहराम मच गई है, वहीं इस घटना को लेकर के लोग सहम गए हैं, दहशत फैल गई है, जहां सेप्टिक टैंक को लेकर के आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। बाद बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि सेप्टिक टैंक के लिए मजदूरों को किस प्रकार की सेफ्टी होनी चाहिए, किस प्रकार की उन्हें जानकारी होनी चाहिए, ये बातें जो है अब तक उन मजदूरों को क्यों नहीं बताई जाती है।